गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने वॉइस का चैप्टर क्लियर किया था, आज हम न्यू चैप्टर नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नरेशन क्या होता है। किसी के द्वारा कही गई बात को यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाए तो पूरा वाक्य डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। नरेशन को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन किसी के द्वारा कोई भी बात कही गई हो, अगर उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यदि उसके बीच में हम कंजक्शन देकर और उसको डायरेक्टली अगर रिपीट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कॉमा के जो बाहर का जो होता है, जैसे ही विल से आई इट। अब इसमें हम आपको बताते हैं जो कॉमाज से बाहर का जो पार्ट होता है, ये यहाँ से कॉमा स्टार्ट हुआ, कॉमाज के अंदर ही विल से वो कहेगा कि आई ईट, मैं खाता हूँ, उसने कहा कि मैं खाता हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद कर दिया, उसने इस बात को फिक्स कर दिया। अब हम क्या बताते हैं कि जो बाहर वाला जो पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर का जो पार्ट होता है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो अंदर का जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो वर्ब है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब कॉमाज के अंदर का जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और जो अंदर का जो पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। बाहर वाला जो पार्ट है उसकी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। आगे आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इसको हम इनडायरेक्ट के अंदर करते हैं, जैसे ही विल से दैट दैट ही दैट ही विल से दैट ही ईट, वह खाता है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर बीच में हम कंजक्शन देकर दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं, कंजक्शन किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, कंजक्शन देकर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमाज है उनको हटा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये, इसका जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता, उसको हम किसी दूसरे टेंस के अंदर चेंज नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग वर्ब के जो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार जैसे भी आगे सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, नेगेटिव है या WH फैमिली का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कंजक्शन लगाकर इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो इसमें कंजक्शन कौन कौन से आएंगे, जैसे दैट, इफ, वेदर, इन केस दैट, प्रोवाइडेड, दैट, हाउ या एट, जो WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो लगाकर हम कोमा को हटा दिया जाता है और इनके द्वारा दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे
हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि साधारण वाक्य होता है, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है इसके अंदर यदि साधारण वाक्य होता है तो इसमें हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, अंदर का रिपोर्ट जो इन्वर्टेड जो कोमाज हैं इनके अंदर यदि साधारण वाक्य है तो उसके इन्वर्टेड कोमाज जो हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे ही विल से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ही विल से कि आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट इन्वर्टेड कोमा बंद, ही विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। उसने कहा है, क्या कहा है कि आशा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वह कहेगा कि आशा बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हमने क्या बताया, यदि सिंपल सेंटेंस आता है तो उसमें उसको हम दैट कंजक्शन के द्वारा जोड़कर इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं। जैसे ही विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट फुल स्टॉप। ये हुआ कि यदि वाक्य साधारण है तो उसको हम दैट कंजक्शन के द्वारा जोड़कर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदल देते हैं। आगे आता है, यदि हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन हो तब हम, यदि कोई भी सेंटेंस है इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होता है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड इटीसी, यदि इनसे स्टार्ट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वही अगर हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन हो तब इसको हम इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे। इफ या वेदर कंजक्शन लगाकर हम जो डायरेक्ट जो नरेशन है उसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। आगे क्या आता है, यदि हाउ या डब्ल्यूएच फैमिली वाला क्वेश्चन हो, हाउ या डब्ल्यूएच फैमिली वाला क्वेश्चन हो तब वे खुद ही कंजक्शन का कार्य करेंगे। यदि हाउ हाउ और डब्ल्यू एच फैमिली के हमने आपको 8 वर्ड्स बताए थे, यदि वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो वो खुद ही कंजक्शन का कार्य करेंगे, उनमें हम किसी अन्य कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। आगे क्या आता है, अगला पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन आ जाए तब इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य में यह प्रोनाउन बदले या नहीं बदले, बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है कि दोनों नरेशन की जो स्पीच है उनके वाक्यों में थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस ना आए, कोई भी बदलाव ना आए, उनका जो अर्थ जो निकलता है दोनों सेंटेंस का उनके अर्थ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम प्रोनाउन को किस हिसाब से चेंज करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो, यू यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिपोर्टेड स्पीच हमने क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बताएंगे। यदि यू यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, यू यदि यहाँ पे सब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट जब नरेशन इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो इसमें तो यू के स्थान पर क्या होगा, हिम और मी का यूज
होगा। यदि साधारण वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, पीछे वाला नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं, रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका जो साधारण वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और उसका सब्जेक्ट यदि यू है तो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम यू की जगह हिम और मी का यूज करेंगे। वो सेंटेंस की जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग कि सेंटेंस का जो मीनू है वो क्या निकल के आता है सामने, उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है, यू यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा, अगला पॉइंट क्या है ध्यान से देखिए, यू यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा बाकी किसी भी टेंस का सब्जेक्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो हम यू के स्थान पर ही और आई का यूज करेंगे। अगर किसी अन्य सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है यू तो हम यू के स्थान पर ही और आई का यूज करेंगे। ही और आई सब्जेक्ट के स्थान पर इनडायरेक्ट नरेशन में ही और आई का यूज करेंगे, जैसे राम सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राम सेड टू हिम कि यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। इसमें क्या होता है, यदि यू सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी भी टेंस का सब्जेक्ट आता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उसमें हम यू के स्थान पर क्या करेंगे, ही और आई, ही और आई। अब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन अगर बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे राम टोल्ड हिम, राम टोल्ड हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड हिम। इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या है कि वर्ब के साथ टू कभी नहीं आएगा, इस बात को भी नोट किया जाए। टोल्ड हिम दैट, दैट कंजक्शन के द्वारा जोड़ेंगे हम इसको कि वाक्य साधारण है, दैट यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करेंगे। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करेंगे। ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क और फुल स्टॉप। जैसे अब आता है कि प्रोनाउन को हम यदि डायरेक्ट नरेशन के अंदर यदि प्रोनाउन आता है, कोई भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रूप आता है तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे। सन पढ़े 123, सन सेकंड अन थर्ड, अस और वन और टू, अन और थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सब्जेक्ट है उसको हम अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, अगर आई और वी है सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पे तो उसको हम जो रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। लाइक एज ये, जैसे यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम, हिम को तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले नहीं सकते क्योंकि हिम का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, ही होगा। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होगा, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होगा वो अन, अन मतलब नो चेंज, नो चेंज, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे ही सी इट और दे,
यदि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर कहीं पे भी आते हैं तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ये बात बीच में आई कि प्रोनाउन, अगर कोई भी प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, तो उनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है सन 123। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसका नो चेंज। ये हुआ प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, ये आ गया। अगला है, अगला पॉइंट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के बीच में या अंत में कहीं पे भी यदि यू आता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यू के स्थान पर हमेशा हिम और मी होगा, हिम और मी होगा। यदि यू कहीं पे भी रिपोर्टेड स्पीच के बीच में या लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कहीं पे भी आता है तो उसके स्थान पर हम हिम और मी का यूज करेंगे। आगे ये तो हमने आपको नॉर्मल कुछ रूल्स थे वो हमने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी टेंस आता है, यदि प्रेजेंट टेंस आता है, पास्ट टेंस आता है, फ्यूचर टेंस आता है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, वो हम आपको टेंसेज की जो लैंग्वेज आती है उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे वो हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।